अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज द होल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। मौसम जो है किसी भी जगह की ये मजमुई कैफियत को कंडीशन, यानी कि उसकी मजमुई हालत, मजमुई कैफियत, जिसमें दर्जा हरारत, टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव, विंड स्पीड, हवा की स्पीड, एयर ह्यूमिडिटी और हवा की नमी एंड प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन कहते हैं रेन एंड स्नो, यानी कि बारिश और बर्फबारी को, ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस एट अ पार्टिकुलर टाइम। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि वेदर किसी भी जगह की मजमुई कैफियत का नाम है, जिसके अंदर दर्जा हरारत, हवा का दबाव, हवा की स्पीड, हवा की नमी, इसके अलावा बारिश और बर्फबारी जो होती है, ठीक है, या स्नो होती है, उसका जो एक जगह पर एक ख़ास एक मुकाम पर होना, उसको हम वेदर कहते हैं, ठीक है। वेदर चेंज विद द टाइम व्हाइल क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन। वेदर चेंज विद द टाइम, जो मौसम है ये वक्त के साथ चेंज होता रहता है। व्हाइल द क्लाइमेट, जबकि क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस दैट प्रिजिस्ट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जबकि क्लाइमेट यानी आबोहवा किसी उस जगह पर ऐसी कैफियत का नाम है जो एक लंबे अरसे तक रहती है। इसका दुरानिया लंबा होता है। मौसम जो होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, आरजी होता है, लेकिन जो क्लाइमेट होता है, वेदर जो होता है, क्लाइमेट जो आबोहवा होती है, वो किसी भी जगह पर लंबे अरसे के लिए होती है। दी ओनली डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, मतलब वेदर और क्लाइमेट में एक ख़ास फ़र्क बस यही है, इज़ दैट द वेदर इज़ द एटमोसफेयरिक कंडीशन। वेदर जो है ये फ़िज़ाई कैफियत का नाम है, ऑफ सम प्लेस, किसी एक खास ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर टाइम, ऑफ सम प्लेस एट पार्टिकुलर टाइम, यानी कि किसी भी खास जगह पर, खास वक्त पर। वाइल द क्लाइमेट इज़ एटमोसफेयरिक कंडीशन, जबकि क्लाइमेट जो है ये एक ऐसी फ़िज़ाई कैफियत का नाम है, ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ लॉन्ग टाइम, जो किसी भी खास जगह पर काफ़ी अरसे तक रहे, लंबे अरसे तक रहे। डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी समरी ये हुई कि जो समर, मतलब जो वेदर होता है, ये ऐसी हवाई कैफियत का नाम है, ऐसी एटमोस्फेरिक प्रेशर का नाम है, जिसके अंदर ये थोड़ी देर में रहता है किसी पार्टिकुलर टाइम में। लेकिन जो वेदर होता है, मतलब जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट किसी भी जगह पर किसी लंबे अरसे के लिए, एक ख़ास लंबे टाइम के लिए होता है किसी ख़ास जगह पर, ठीक है। तो क्लाइमेट का जो दुरानिया है वो तवील होता है, ज़्यादा होता है, और वेदर का जो दुरानिया है वो कम होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, क्लाइमेट चेंज ओवर द अर्थ सरफेस, यानी कि आबोहवा की सतह ज़मीन पर तब्दीली, यानी कि आबोहवा हमारी जो सतह ज़मीन पर, ये कैसे तब्दील होता है, या इसकी तब्दीली के बारे में बात करते हैं। द एटमोसफेयर ऑफ अर्थ चेंज ड्यू टू द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमारी सतह ज़मीन पर जो आबोहवा में चेंजिंग है, ये इंसानी सरगर्मियों की वजह से भी आती है, इंसान की अपनी हर एक्टिविटीज़ की वजह से भी क्लाइमेट में चेंज आता है। ह्यूमन्स मेक रोड्स, बिल्डिंग्स एंड डैम्स, इंसान जो हैं, बने इंसान जो हैं, ये क्या करते हैं, सड़कें बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, इसके अलावा डैम्स वगैरह भी बनाते हैं, डैम्स एट्सेट्रा, ठीक है, टू फुलफिल देयर नीड्स, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। मतलब इंसान जो है ये क्या करता है, रोड्स बनाता है, इमारतें बनाता है, डैम्स बनाता है, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। इन 2009 एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन कोपेनहेगन, कैपिटल ऑफ डेनमार्क, मतलब 2009 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कोपेनहेगन में, जो कि कैपिटल है डेनमार्क का, ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि आबोहवा में जो चेंज आते हैं, इस इशू पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कोपेनहेगन में, जो कि कैपिटल है डेनमार्क का, ठीक है। मैनी डिसीजंस वर टेकन इन कॉन्फ्रेंस टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टू कंट्रोल द ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, उस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी जो है डिसीजंस लिए गए, उसका मकसद ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको कंट्रोल, इसकी मकदार को कंट्रोल किया जाए, और ज़मीन का जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इसको कैसे मतलब मॉडरेट रखा जाए।